वेलकम बैक गाइस, आज को हम एक और नई वीडियो के साथ वापस है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार तुम चैनल सब्सक्राइब करते नहीं हो, वीडियो देख के चले जाते हो। तो आज की वीडियो होने वाली है, आज हम कुछ ऐसे पोकेमोन को लेके बात करने वाले हैं जो कि कुछ ऐसे टॉप 10 पोकेमोन हैं जो रियलिस्टिक में पाए जाते हैं, और उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर कुछ ऐसे पोकेमोन को पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर डाला गया है। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले नंबर पे पाए जाने वाले पोकेमोन है टूकानन, जो कि इसका नाम रियल लाइफ में टूकन है। टूकानन और टूकन दोनों ही काफ़ी हद तक भाई रियलिस्टिक और वर्ल्ड और पोकेमोन वर्ल्ड में वुड पैकर जैसे ही लगते हैं। और जो टूकानन है मतलब टूकन है, वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जो कि एक बर्ड टाइप पोकेमोन है देखा जाए तो। और इसका पावरफुल अटैक है जो कि आप इसकी बड़ी सी चोंच दे सकते हो, इसमें एक काफ़ी हद तक एनर्जी पैदा होती है जिससे अपने अपोनेंट को आसानी से हरा देता है। सेकंड नंबर पर आने वाला पोकेमोन जिसका नाम है ड्राउसी, जो कि एक एलिफेंट टाइप का दिखता है। अब इसके बारे में बात करी जाए, ये ज़्यादातर साउथ एशिया में पाया जाता है। जैसे कि आपने बहुत से एपिसोड में देखा होगा, ड्राउजी एक साइकिक टाइप पोकेमोन है जो कि ज़्यादातर लोग उसे पसंद करते हैं। माना कि थोड़ा आलसी टाइप पोकेमोन है, पर ये है एक साइकिक टाइप और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पोकेमोन। थर्ड नंबर पे आता है साइडक। जैसे कि आप सभी को ज़्यादातर बंदों को पता ही होगा कि जो साइडक है एक तरह का प्लैटिपस टाइप पोकेमोन है। ये प्लैटिपस टाइप मतलब एक दोनों ही एज इट इज़ भाई रियलिटी में कि एक दोनों आलसी पोकेमोन है। ये दोनों भी शांत रहते हैं, और जब इससे जैसे कि आपने देखा होगा मिस्ट्री जो कि इसकी ओनर है, वो बात जब बोलती है अटैक करो तो अटैक नहीं करता, और जब साइकिक अटैक करता है तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से अटैक करता है। अब बात करी जाए फोर्थ नंबर पे जिसका नाम है यर्सराइंग, जो कि एक बियर टाइप पोकेमोन है। देखने में ज़रा भालू लगता है, और जो ये भालू है ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और ये जानते थोड़ी उत्साहिक मतलब गुस्से वाला पोकेमोन है। ज़्यादातर बंदे इसे पकड़ना चाहते हैं क्योंकि जो इसकी पावर है, जो इसका पावर पंच बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगता है। जैसे कि आपने देखा ये बहुत ही कम एपिसोड में दिखाया गया, क्योंकि यार मतलब इतना लड़ाई वाला पोकेमोन तो इसे दिखाया भी नहीं गया इसे इतना। अब बात करी जाए फिफ्थ नंबर पे जिसका नाम है कैटरपी। कैटरपी आपको सीजन 1 में दिखाया गया था, जो कि एक तरह का बग टाइप पोकेमोन है, और ज़्यादातर ये जानते हैं आप सभी को इसका जो थर्ड फॉर्म है जो कि एक बटरफ्लाई बनता है, और ये अपने मुंह से लार्वा होता है जैसे नॉर्मली पोकेमोन है जैसे। और ये पोकेमोन भी ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो में, क्योंकि आज मैंने इसे 5 पोकेमोन के बारे में ही बताया, इसके बारे में 5 पोकेमोन और हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और भी 5 पोकेमोन को जानने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ सब्सक्राइब कर लो यार, जो लाल कलर का घंटा बटन दिख रहा है उस पर जो भी मारो पर उसे काला कर दो, जल्दी कर दो और घंटे को बजा दो।